बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज जो है हम 3.7 इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 एक्सरसाइज 3.7 जो है उसमें तमाम तर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड है कि उसकी एप्लीकेशन हैं, उस तरह के क्वेश्चन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, और कर्व के हमें यानी कि फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम, साथ में हमें लिमिट भी गिवन है x की, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, मतलब कि हमें जो फंक्शन गिवन है उसकी उससे एक कर्व बनती है, ठीक है, और उस कर्व और x एक्सिस के दरमियान जो रीजन बनता है उसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो चलें सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास ये कर्व बनती किस तरह से है, उसकी शेप किस तरह से है और कौन सा रीजन इसमें बाउंड हो रहा होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस और उस कर्व के दरमियान में कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है। तो सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने देखना है कि एक्स जो है, चलें उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये सपोज 1 है, यहाँ पर आकर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पॉइंट 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, और वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं 1, 2 एंड 3, उसके अलावा और ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं 4 एंड 5। अच्छा, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट कौन सा कि जिस पे y 0 है और x यानी कि x एक्सिस पे कहाँ पर ये कर्व कट करता है। तो y को हम 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू फिर क्या आएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये रियल नंबर नहीं आता, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ से एट x, यानी कि y x को ये कट नहीं कर रहा, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। अब हम ऐसा करते हैं कि x को 0 पुट करके देखते हैं कि जहाँ पर x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज 1, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर x 0, x कहाँ पर 0 है, इस पूरी लाइन पे पूरे y एक्सिस पे जो है x 0 है, ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। उसके अलावा हम कौन सा पॉइंट देख सकते हैं, सपोज मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1, जब हम 1 पुट करेंगे x की जगह तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 ही होता है, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, 1, 2, यानी कि x जहाँ पर 1 है और y इज इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट बनता है। उसके अलावा हम माइनस 1 पे भी चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसमें पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 आता है, y इज इक्वल टू 2, मतलब के पॉइंट हमारे पास क्या आया, माइनस 1, 2, और माइनस 1, 2 कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये पॉइंट बनता है माइनस 1, 2, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इसके अलावा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पे हम चेक कर सकते हैं, चले 2 पे भी चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2, जहाँ पर x जो है वो 2 है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5, y इज इक्वल टू 5, तो पॉइंट क्या हुआ, 2, 5, और 2, 5 कहाँ पर आता है, जहाँ पर x 2 है ये 2 है, उसके अलावा 5 y कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5,
दिस वन इज 5, जहाँ पर वाई 5 है, तो ये पॉइंट है 2,5। इसी तरह से आप चेक करें कि एक्स जहाँ पर -2 है, एट एक्स इज इक्वल टू -2, यानी कि मैं डिफरेंट पॉइंट्स देख रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ एक्स की और वाई की, फाइंड आउट करते जा रहा हूँ, इस तरह से मेरे पास पॉइंट्स आते जा रहे हैं, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगा तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ की शेप किस तरह से है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 जब मैं पुट करता हूँ तो वाई इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 5 के इक्वल आता है। तो हमारे पास पॉइंट बनता है -2,5, और -2,5 कहाँ पर लाई करता है, -2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉइंट बनता है -2,5। अब हम ऐसा करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करने से हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से पॉइंट्स जो हैं ज्वाइन करके हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, सपोज ये इसमें से पास करे इस पॉइंट में से, तो ये हमारे पास एक पैराबोला की शेप बनती है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कहा गया था और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन हमें देखें, क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और कर्व के दरमियान में एरिया कौन सा बन रहा है, ये सारा एरिया ये बन रहा है, ये सारा एरिया होता है, ठीक है, ये सारा एरिया जो है ये एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान में एरिया बन रहा है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब कि जहाँ पर एक्स जो है वो 1 है, एक्स 1 कहाँ पे है, ये एक्स इज इक्वल टू 1 है और एक्स इज इक्वल टू 2 ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिर्फ हमें एरिया रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, मतलब कि इसका एरिया हमने फाइंड करना है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि सही तरह से वाजे हो जाए। ये जो आपको शेडेड रीजन नज़र आ रहा है ये रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, ठीक है। अब ये किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जो हमें फंक्शन गिवन है इस कर्व का, ठीक है, और लिमिट्स उसके लिए हम पुट कर देंगे 1 से लेकर 2 तक की। चलिए पुट कर देते हैं, पहले तो मैं इंटीग्रेशन में इंटीग्रल साइन के आगे वो फंक्शन लिखता हूँ x square plus 1, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट हम किसकी रिस्पेक्ट से करेंगे, x की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर dx आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास लिमिट्स x की, यानी कि लिमिट्स क्या है, 1 से लेकर 2 है, ठीक है, x स्टार्ट हो रहा है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट x की क्या है, 2 है, मतलब कि अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, हम कहते हैं एरिया इज इक्वल टू दिस है, रिक्वायर्ड एरिया आप कहने, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व ये कैसे होगा कि एक्स स्क्वायर अलहदा से इंटीग्रेट होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके अलावा 1 जो है वो अलहदा से इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक की, प्लस 1 की क्या इंटीग्रेशन है, एक्स होगी और इस पर लिमिट आ जाएगी 1 से 2 की। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं, लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 2³ / 3 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1³ / 3 ये बन जाएगा, उसके बाद इसी तरह से इस पर भी पुट करते हैं 2-1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट हमारा इसका आता है 10 / 3, ठीक है, तो मतलब कि ये एरिया की वैल्यू है जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो कि ये रीजन बाउंड हो रहा है, जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस एरिया की वैल्यू हमने इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रल से फाइंड कर ली। अच्छा ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से अबव होना चाहिए, नेगेटिव अब हम
कंसिडर नहीं करेंगे अगर नेगेटिव आता भी है तो, ठीक है, अगर नहीं आता फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव एरिया बने भी तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स सुके फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अभी अभी लिमिट्स भी गिवन है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू एक्स इज इक्वल टू टू, ये हमें लिमिट्स की बन है एक्स की, और एरिया का यानी कि रीजन का या आप उसे कह लें कि कर्व का हमें फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स सुके। चलिए अब हम इसको ड्रॉ करके पहले देखते हैं कि ये कर्व बनती कैसे है, उसकी शेप किस तरह की है, ठीक है, और रीजन कौन सा बनता है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इसी तरह से यहाँ पर -1 -2 एंड -3, और इस पे भी हम चेक कर लेते हैं, पॉइंट्स लगा लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब कि y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर को स्केच करना है हमने, ठीक है। तो अब हम इसमें से पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स कैसे आएंगे, x की वैल्यूज पुट करें y की वैल्यूज आ जाती हैं, तो वहां से हमारे पास पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम y को जीरो पुट करते हैं, y को जीरो पुट करते हैं एट y इज इक्वल टू जीरो, एट y इज इक्वल टू जीरो। जब हम y को जीरो पुट कर रहे हैं तो जीरो इज इक्वल टू बन रहा है 5 माइनस एक्स स्क्वायर के, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ चुकी है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर y ज़ीरो है, जहाँ पर y ज़ीरो है वहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है वो 2 और 3 के दरमियान होता है, ठीक है, मतलब कि x यहाँ इनके दरमियान में आएगा, 2 ये x और ये है 3x, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन यहाँ इधर करके ये पॉइंट बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बनेगा पॉइंट, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये बनेगा। उसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए। चलिए हम ऐसे करते हैं, इसको रेड पॉइंट्स बनाते हैं ताकि सही तरह से वाजिब हो जाए, ये पॉइंट्स बन गए दो, ठीक है। उसके अलावा अब हम बाकी भी चेक कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, जहाँ पर x जीरो है, एट x इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास पॉइंट क्या बनता है, y इज इक्वल टू 5 माइनस जीरो, यानी कि y इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट बनता है हमारे पास, मतलब कि जहाँ पर x 0 है और y 5 है, 0.5 पॉइंट बनता है। इसको भी हम देख लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं इस पॉइंट को, 0.5 x यहाँ पर इस पूरी y एक्सिस पे 0 है और y की वैल्यू 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ करके 5 आती है, ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है। उसके अलावा -1 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो बल्कि आप ऐसा करें कि ये इतने पॉइंट से काफ़ी हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर लें तो आपको समझ लग जाएगी कि आपके ग्राफ की शेप किस तरह की, तकरीबन इस तरह की शेप बनती है हमारे ग्राफ की, ठीक है, जो कि जिसका फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना था, कि हमने फाइंड ये करना है कि एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, फाइंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से अबव होना चाहिए एरिया, ठीक है, बिलो ना हो, और एंड अंडर द कर्व, और कर्व के अंडर होना चाहिए। तो ये आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है, इसको हम शेड कर लेते हैं, ये जो सारा आपको एरिया नज़र आ रहा है ये कौन सा एरिया, जो कि अबव द एक्स एक्सिस है और अंडर द कर्व है। अब हमें आगे भी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2, मतलब कि x को भी लिमिट कर दिया गया है कि x जो है -1 से लेकर पॉजिटिव 2 तक, x यहाँ पर -1 है
और पॉजिटिव टू एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कि ये रीजन बनता है। अभी हम इसको अलहदा से देखते हैं, ठीक है, और इसको मैं डार्क कलर से शेड करता हूँ। तो ये रीजन बनता है जो हमें, जिसका हमें एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू है, माइनस वन से लेकर टू तक, ठीक है, ये रीजन बन रहा है जो कि अबव द एक्स एक्सिस भी है और अंडर द कर्व भी है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये एरिया, फाइंड हम इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे, ठीक है। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हमें गिवन फंक्शन है, ठीक है, हमारे लिए गिवन फंक्शन कौन सा है, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने प्लॉट करके भी देखा है कि वो उसकी शेप क्या बनती है। तो फाइव माइनस एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन लिमिट्स हमें गिवन है माइनस वन से लेकर टू तक। यहाँ पर माइनस वन लोअर लिमिट एंड पॉजिटिव टू इज अपर लिमिट। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, फाइव को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके अलावा एक्स स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस वन से टू तक, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम जो है फाइव की इंटीग्रेशन क्या होती है, फाइव एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो फाइव बाहर अगर ले आए हम तो एक्स वन वन डी एक्स आ जाता है, वन डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो एक्स होती है, यानी कि फाइव एक्स होगी इसकी इंटीग्रेशन। और लिमिट्स अभी तक हमने पुट नहीं की, तो साथ में लिखते हैं माइनस वन से टू तक, और ये नेगेटिव साइन ये आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर आपको पता है कि साथ में वन डी एक्स उसका डेरिवेटिव यानी कि मौजूद है, तो यहाँ पर पावर रूल इस पर लगाएंगे और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है। उसके बाद हम इस पे लिमिट्स भी लगाएंगे, लेकिन अभी साथ में लिख देते हैं क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेशन फाइंड की। अच्छा, अब हम लिमिट्स पुट करते हैं, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि चलें हम पहले ऐसे करते हैं कि कॉन्स्टेंट को बाहर ले आते हैं और साथ में वेरिएबल को अंदर लेना है, जिस तरह से यहाँ पे भी कांस्टेंट है 1 बाई थ्री, इसको भी मैं लिमिट से बाहर ले आता हूँ और लिमिट के अंदर बचेगा एक्स क्यूब, और लिमिट है 1 माइनस वन से लेकर 2 तक। अब हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक्स की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा, उसके बाद माइनस साइन और फार्मूले का, ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव 1 जो है लोअर लिमिट आ गई। इसी तरह से हम इस फंक्शन में भी लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट यानी कि 2 का क्यूब माइनस माइनस 1 का क्यूब, ये लोअर लिमिट होगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 माइनस इसका माइनस 1 का क्यूब भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, 8 प्लस 1 इज 9, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 बाई 3 इंटू 9 माइनस 5, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 5s आर 15, तो ये बन जाएगा 15 माइनस ये 3 3 से कैंसिल आउट एंड 3 3 का 9 होगा, और रिजल्ट हमारे पास आ गया 12, मतलब कि जो बाउंडेड रीजन था उसका एरिया आ गया, स्क्वेयर यूनिट, स्क्वेयर यूनिट्स हम इसे कह देते हैं, स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है, मतलब मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो जिसमें भी हमें जो है वैल्यूज गिवन हो उसी का स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमने एरिया फाइंड किया जो हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पर, और रिक्वायर्ड क्या था कि यानी कि जो कर्व हमें गिवन थी, कर्व का हमें फंक्शन गिवन था फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर हमें कर्व गिवन था, ठीक है, और उसको हमने स्केच करके देखा कि उसकी शेप कैसे बनती है, इस तरह से इसकी शेप बन रही थी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से एक्स इज इक्वल टू टू तक जो रीजन बाउंड होता है उस ग्राफ के अंडर भी हो, ठीक है, यानी कि उस कर्व के अंडर हो वो एरिया, उसके अलावा एक्स एक्सिस से अबव हो। तो यहाँ से हमने ये देखा कि ये एक्स एक्सिस से अबव है और अंडर द कर्व है, उसके अलावा माइनस वन से लेकर टू तक हमने उस पर लिमिट अप्लाई की, तो ये जो शेडेड रीजन बन रहा है ये एरिया बनता है, ठीक है। और हमने पहले पढ़ चुके थे कि इररेगुलर शेप कोई भी हो, या आपके सामने कोई रेगुलर शेप तो नहीं है ना, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, या ट्रायंगल बन रही हो या रेक्टेंगल बन रही हो या फिर कोई और इस तरह की शेप डेफिनेट बन रही हो, स्क्वायर बन रही हो, उस तरह की कोई शेप नहीं है, इररेगुलर शेप है। इररेगुलर शेप्स का एरिया अगर फाइंड करना हो तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस, पहले 6 क्वेश्चंस हमने जो है
छः तक आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस की कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।